ये दो पहिया वाली ट्रॉली है, उसकी साइज ये 3x4 की, नीचे की टॉप की साइज 3x4 की है और ऊपर की 3.5x5 की। और ये ट्रॉली लिप स्प्रिंग वाली है, कमन वाली, नीचे एक्सल लगी है और इसमें टायर भी नए लगे हैं। और ये दो पहिया वाली ट्रॉली है, 3x4 की साइज है और ये शाइन बाइक है, अभी उसका टेस्टिंग ले जा रहा है और पार्टी की रिक्वायरमेंट से वो ट्रॉली बनाई है ऑर्डर से। और ये ट्रॉली भेजने की है चेन्नई, पार्टी का नाम है अरुण कुमार और ये ट्रॉली चेन्नई भेजने की है। और ये दो पहिया वाली ट्रॉली है, लिप स्प्रिंग वाली, इसमें टायर भी नए लगे हुए हैं और लिप स्प्रिंग भी ओरिजिनल नहीं है, पुरानी वाली नहीं है, कबाड़ में से लाई हुई नहीं है। और ये पार्टी की रिक्वायरमेंट से बनाई है, इसमें टायर नए हैं, नीचे महिंद्रा कंपनी का जो आता है वो सिस्टम है, वो शैकल भी वो जिप के हैवी है, पाटा लोडिंग रिक्शे का है। और लोड कैपेसिटी इसमें हमने 500 kg करके उसका कैपेसिटी जांच किया है ये दो पहिया वाली ट्रॉली में। और ये पार्टी की रिक्वायरमेंट से बनाई है ऑर्डर से, चेन्नई भेजने की है, पार्टी का नाम है अरुण कुमार। और ये लिप स्प्रिंग कमान पाटा वाली ट्रॉली है, नीचे हैवी ड्यूटी की एक्सल लगी है और 3x4 की, नीचे टॉप की साइज है और ऊपर की 3.5x5 की है। ये उसका मूवेबल हुक है, ये जैक है, मूवेबल ऊपर नीचे हो सकता है। और ये जो पैटर्न है ट्रॉली की, इसमें ये पैटर्न से किसी को ऑर्डर से ट्रॉली बनवानी है तो साइज से कैपेसिटी से बन सकती है सभी टाइप की। किसी को कोई जिप से, जिप के पीछे लगानी है, कोई बोलेरो के पीछे लगानी है, कोई छोटा हाथी या कोई छोटा मोटा व्हीकल के पीछे ट्रॉली लगानी है ऐसी, तो साइज से कैपेसिटी से सब डिफरेंट करके हम ट्रॉली का मैन्युफैक्चर करते हैं अलग अलग टाइप का। इसमें सब टायर, एक्सल, साइज और लिप स्प्रिंग कमान का भी डिफरेंट हो जाता है साइज के कैपेसिटी के हिसाब से, तो वैसे हम पार्टी की रिक्वायरमेंट से ऑर्डर से बनाते हैं ये पैटर्न में बनानी है तो। और ये अभी तो बाइक के पीछे चलाने की है साइज, इसकी कैपेसिटी 500 kg हमने जांच की है, लेकिन इसमें बाइक से चलाने में 300 किलो तक आप आराम से चला पाओगे। और टायर भी नए हैं और लिप स्प्रिंग भी नहीं है, इसमें कोई पुराना वाला कोई सामान नहीं है और ऊपर से ऐसे उसकी डिजाइन की है, तो चौड़ाई वाला या कोई लंबाई वाला मटेरियल हो तो भी ले जा सकते हो। और ये पीछे वाला डाला नीचे की साइड ओपन होता है और क्लोज भी होता है, बंद भी होता है और खुल भी रहा है वो पीछे वाला डाला, इस तरह दिखती है उसकी डिजाइन। और पूरी ट्रॉली जीपी सीट से बनी हुई है, गैल्वेनाइज सीट से बनी हुई है और उसका जो मटेरियल है वो भी MS एंगल और स्क्वायर पाइप से बनी हुई बॉडी है उसकी। ये टायर भी नए हैं, लिप स्प्रिंग भी नई है, सब मटेरियल नया है, इसमें पुराना कबाड़ वाला कोई मटेरियल नहीं है। अभी उसका
टेस्टिंग बाइक से वो खाली ट्रॉली का टेस्टिंग ले जा रहा है। तीन बाई चार की साइज है, लिफ्ट स्प्रिंग वाली ट्रॉली। ये पैटर्न में पार्टी की रिक्वायरमेंट से जो भी साइज बनानी है कैपेसिटी के हिसाब से हम वो सभी साइज बना सकते हैं ऑर्डर से। देखो ये टेस्टिंग का वीडियो, अभी बारिश चालू हो गई है तो थोड़ा वीडियो बनाने में दिक्कत आती है उसका, नहीं तो उसका लोडिंग डाल के भी वीडियो बनाना था, लेकिन अभी बारिश चालू है। ये ट्रॉली आप 100 की स्पीड में भी चला सकते हो। ये कॉन्सेप्ट ये पैटर्न में जो बुलेट राइडर के लिए किसी को ये एक टाइप की कॉन्सेप्ट और पैटर्न में ट्रॉली बनवानी है छोटी साइज में लाइट बॉडी में और स्प्रिंग वाली, तो भी हम ऑर्डर से बना के देंगे। ये 100-120 की स्पीड में भी वाइब्रेशन नहीं आएगी और ये अभी लिफ्ट स्प्रिंग वाली है, इसमें सस्पेंशन नहीं है, स्प्रिंग नहीं है, ओनली लिफ्ट स्प्रिंग है कमान पाता वाली। देखो ये वाइब्रेशन भी नहीं करती, स्पीड में भी चलाओ, लेकिन इसमें वेट रखा हुआ है तो अपनी सेफ्टी से सिक्योरिटी से चलानी चाहिए। अभी तो हम खाली ट्रॉली का टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन इसमें वेट डाल के आपको चलानी है तो आपकी सेफ्टी के हिसाब से उसको चलानी पड़ेगी। देखो ये ट्रॉली की स्पीड, इसमें वाइब्रेशन नहीं आता। कैसी चल रही है ट्रॉली, कैसी चल रही है, कोई वाइब्रेशन या कोई दिक्कत आता है, वाइब्रेशन आता है, वाइब्रेशन सौ की स्पीड में चलाओ तो कैसी चलती है, बारिश आए तो भी चलाओ, गर्मी पड़े तो भी चलाओ। सौ की स्पीड में कैसी चल रही है, इसको सौ की स्पीड में, सौ की स्पीड में कैसी चल रही है, बहुत बढ़िया। ये पैटर्न में आपको जैसी साइज जो रखनी है पार्टी की रिक्वायरमेंट से और कैपेसिटी में जैसी बनानी है वैसी ऑर्डर से वो ट्रॉली का मैन्युफैक्चर हो जाएगा। ये पैटर्न में भी आपको लिफ्ट स्प्रिंग वाली, सस्पेंशन वाली, कमान पाटा वाली और जैसा आपका जैसा यूज होगा वैसे बोलेरो जिप के पीछे चलानी है और कोई भी महिंद्रा की थार जिप के पीछे चलानी है और कोई भी व्हीकल के पीछे सेट करनी है ट्रॉली ये पैटर्न में साइज कैपेसिटी के हिसाब से, तो हम ऑर्डर से बना देंगे। इसके लिए हमारा नंबर वीडियो पे है लिंक पे, वो नंबर पे आप
संपर्क भी कर सकते हैं। सीधी खड़ी कर दो, सीधी। देखो ये ट्रॉली के नीचे ऐसा काम हुआ है, मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। पूरा इस तरह का उसका सेटिंग है सब। ये ऐसे खड़ी भी रह सकती है, वो जैक से सेट करके उसको ऐसे खड़ी भी रख कर सकते हो। ये दो पहिया वाली ट्रॉली है और कमान वाली है, लिप स्प्रिंग वाली। इसमें टायर नए लगे हुए हैं और लिप स्प्रिंग कमान वाली ट्रॉली है। और अभी इसमें लोड डाल के उसकी कैपेसिटी का जांच किया जाता है। तो अभी इसमें टोटल मिला के 12 ब्लॉक हैं। एक ब्लॉक का वेट 40 केजी है, तो इसके हिसाब से अप्रोक्स 500 केजी इसमें लोड डाला हुआ है दो पहिया वाली ट्रॉली में। स्प्रिंग वाली ट्रॉली है, लिफ्ट स्प्रिंग वाली, पूरी ट्रॉली लिफ्ट स्प्रिंग वाली है। अभी उसका टेस्टिंग ले जा रहा है लोड डाल के। इसमें 40 केजी वेट वाले 12 ब्लॉक डाल के उसका टेस्टिंग किया। लट्ठो फिराओ जी, आडो कर जी। ये दो पहिया वाली ट्रॉली है, इसका लोड अंडर लोड डाल के टेस्टिंग किया जाता है। इसमें 40 केजी वेट वाले 12 ब्लॉक रखे हैं अभी। कर दो खाली ना, दो पहिया वाली ट्रॉली, टायर नए हैं और इसमें 40 केजी वेट वाले 12 ब्लॉक रखे हैं, तो इसमें अभी 500 केजी वेट डाला हुआ है। निकाल दो, चालू कर दो। काटो काटो, ये ब्लॉक है, एक ब्लॉक का वेट 40 केजी है। अगले वीडियो जो हमने बना था इसमें उसका वेट किया था। टूटे ना दो जो,
ये उसका वेट का कैपेसिटी का टेस्टिंग किया अभी। और ये ट्रॉली पार्टी की रिक्वायरमेंट से ऑर्डर से बनाई है, और ये चेन्नई भेजने की है ट्रॉली। पार्टी का नाम तो मैं फाइनल वीडियो बनाऊंगा तब बताऊंगा, अभी उसका इसमें वेट डाला हुआ वीडियो बनाया, और फाइनल वीडियो में भी मैं इसमें वेट डाल के वीडियो बनाऊंगा। दो पहिया वाली ट्रॉली है, इसके हिसाब से इसमें 300 केजी या 250 केजी वेट ही डालने का है पार्टी को, तो लेकिन हमने 500 केजी डाल के टेस्टिंग किया। और उसका जो जॉइंट आएगा वो नीचे वाला जॉइंट आएगा, चार पहिया वाली ट्रॉली में आता है वैसे आएगा, नीचे वाला अटैचमेंट आएगा। और इसकी एक्सल भी अच्छी वाली हैवी क्वालिटी की है, लिप स्प्रिंग जो कमांड बोल रहे हैं वो भी हैवी वाली है, पुराना इसमें कोई भी नहीं है, सब नया सामान है। वो नीचे वाले जो शैकल लगे हैं, आगे वाले शैकल है, उसका जो हुक है वो सब नया वाला है, हैवी वाला। और महिंद्रा कंपनी की जो जीप आती है उसमें जो लगता है वही हैवी वाला है। कबाड़ में से पुराने वाला इसमें कोई मटेरियल यूज नहीं किया है, सब नया मटेरियल है। ये दो पहिया वाली ट्रॉली है, और इसकी टॉप साइज नीचे वाली जो है वो 3x4 की है, और ऊपर की जो टॉप साइज है जो ग्रिल की वो 3.5x5 की है। और ये पूरी जीपी शीट से बनी हुई ट्रॉली है, कैल्विनाइज शीट से बनाई हुई ट्रॉली है। पीछे वाला जो डाला है ओपन और क्लोज होता है, बंद भी होता है और खुल भी सकता है, जैसे ये ऐसे डिजाइन की है ट्रॉली। नहीं लड़ो, बंद कर दो दरवाज़ा, एक मिनट दरवाज़ा बंद करने दो, नीचे रखो, बाद में खाली करो, बाद में फटाफट। ये पीछे वाला डाला ऐसे बंद भी होगा और खुलेगा भी, जाने दो अब। आम फेरो जी, उभी कर जी आम फेरी, हाथ क्यों ले ले स्पीड में। ये दो पहिया वाली ट्रॉली है, अभी इसमें वेट डाल के टेस्टिंग किया, आगे जो वीडियो बनेगा इसमें वेट डाल के बाइक के पीछे चला के वैसा भी वीडियो बनाएंगे हम। उभी कर देखा लिया, देखो ये नीचे इस तरह काम हुआ इसका, डिस्प्रिंग वाला।